हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सामान्य अध्ययन पे एक वीडियो आएगी, तो एक वीडियो दोस्तों आ चुकी है सामान्य अध्ययन पे। अच्छी वीडियो है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं, 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो हालांकि आप सभी को पता होगा, तो दोस्तों जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया है, उनको उन दोनों को यूटी बनाया गया है, तो तब से जो भारत में पहले 29 राज्य थे, अब दोस्तों भारत में ओनली 28 राज्य रह चुके हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो आइए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2019, ये दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है। तो हाल ही में मिस यूनिवर्स 2019 कौन बनी है? मिस यूनिवर्स तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की हैं। कहाँ की? साउथ अफ्रीका। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ की हैं साउथ अफ्रीका की, तो इनका नाम है जोजीबिनी तिंजू। दो जोजीबिनी तिंजू दोस्तों हाल ही में मिस यूनिवर्स बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि यूटी बता दीजिए दोस्तों, कितने हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी? तो दोस्तों यूटी पहले 7 थी, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को मिलाकर दोस्तों 9 यूटी हो चुकी हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना? जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा ये काम किया गया था, और धारा 370 जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष प्रावधान देती थी, उसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन बच्चे बच्चों को पता होगा जो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोनों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आरबीआई का दोस्तों मुख्यालय है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं इंग्लिश में, भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों इसकी स्थापना 1935 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मैं बोल लूँ तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? मुंबई में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के नए थल सेना अध्यक्ष, लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी बने नहीं हैं, लेकिन 1 तारीख को शपथ लेंगे, वो बनेंगे। ठीक है ना, अभी फिलहाल वर्तमान में बिपिन रावत जी हैं। बिपिन रावत का जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर को। ठीक है, तो उनकी जगह दोस्तों अब आ रहे हैं मनोज मुकुंद नरावने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% ये पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मिस वर्ल्ड, वो मिस यूनिवर्स थी जोजीबिनी तिंजू, अब मिस वर्ल्ड कौन बनी है? ये दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये समझ लीजिए 1 या 2 नंबर पक्का आपका। ठीक है, तो इनका सही आंसर है टोनी एन सिंह। टोनी एन सिंह दोस्तों कौन बनी है? मिस वर्ल्ड बनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? श्री एन बीरेन सिंह। ये क्वेश्चन दोस्तों DSSB में पूछा गया था, JEE की परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आ जाते हैं। कमलनाथ की अगर बात करूँ मैं दोस्तों, तो कमलनाथ कहाँ के? मध्य प्रदेश। कहाँ के? मध्य प्रदेश। ये भी क्वेश्चन सही है। अशोक गहलोत दोस्तों कहाँ के? राजस्थान। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मनोहर लाल खट्टर दोस्तों कहाँ के? हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों बीजेपी सरकार है, और वहाँ पर दोस्तों डिप्टी सीएम की अगर बात करें तो कौन है? दुष्यंत चौटाला। कौन है? दुष्यंत चौटाला, ये डिप्टी सीएम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। तो गोवा के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों प्रमोद सावंत। ठीक है, पहले दोस्तों मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम है दोस्तों मनोहर पारिकर, आदरणीय मनोहर पारिकर जी पहले गोवा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, पिनरी विजयन की अगर बात करूँ तो दोस्तों BS येदियुरप्पा तो कर्नाटक के हैं। कहाँ गए? कर्नाटक। कर्नाटक के हैं ये, तमिलनाडु के हैं। कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के दोस्तों गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित।
पुरोहित है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसे भी क्वेश्चन लिंक करके आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है दोस्तों, सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित हैं बताइए, मुक्केबाजी, शूटिंग, क्रिकेटर या वेट लिफ्टिंग। सही आंसर है दोस्तों, सौरभ चौधरी शूटिंग से संबंधित हैं। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं, एसएससी जेई 2018 के प्रश्न पत्र सीबीटी 1 में आया था। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं, तो सही आंसर है दोस्तों आर्चरी। किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी। तीरंदाजी दोस्तों बात करी जाए तो ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है, क्या तीरंदाजी, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। दोस्तों ये संबंधित वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड है इनका, और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों लक्ष्य सेन जो हैं वो बैडमिंटन से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 12th क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विजय दिवस, कौन विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो कल परसों ही मनाया गया दोस्तों भारत में विजय दिवस, 16 दिसंबर कल ही मनाया गया था, ठीक है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों नासा, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है नासा की, ठीक है। अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, 29 जुलाई। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, 29 जुलाई 1958 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 14th क्वेश्चन है, इसरो, इसरो की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसरो को क्या कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और फाउंडर की अगर मैं बात करूँ, फाउंडर कौन थे इसरो के, तो विक्रम साराभाई फाउंडर थे, ठीक है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों कौन है, के सिवान साहब हैं वर्तमान अध्यक्ष। तो ये चारों की चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो गया 15 अगस्त 1969 इज अ करेक्ट आंसर, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर की पूछ लेते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, ठीक है। इसके लॉन्चिंग पैड भी पूछ लेते हैं आपसे, लॉन्चिंग पैड कहाँ 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 पर हैं, तो दोस्तों लॉन्चिंग पैड अभी इंडिया में फिलहाल दो लॉन्चिंग पैड हैं दोस्तों इसके, कहाँ पर है, एक आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा, कहाँ पर है, श्री हरिकोटा में, ठीक है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक नया लॉन्चिंग पैड के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है, जो दोस्तों तमिलनाडु में खोला जा रहा है, तमिलनाडु में बन रहा है, ठीक है, तमिलनाडु में। ये करंट के क्वेश्चन हैं दोस्तों, चिंता मत करिए, आप पूरी कोशिश करी जाएगी आपके पूरे करंट सही करने की। 15th क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, कहाँ पर, अफगानिस्तान में। तो दोस्तों सही आंसर है आपका अल्पतगीन, अल्पतगीन ने दोस्तों अफगानिस्तान में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। 16th क्वेश्चन है दोस्तों, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किसका बेटा था। तो दोस्तों महमूद गजनवी जो था वो बेटा था सुबुक्तगीन का, इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुबुक्तगीन कौन था दोस्तों, तो ये अल्पतगीन का कौन था, स्लेव था, यानी कि गुलाम। अगला क्वेश्चन,
चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों चंदावर का युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 18th क्वेश्चन है, चंदावर युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पुदुचेरी के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी DSSB में पूछा गया था, JEE की परीक्षा में। तो इसका सही आंसर है किरण बेदी। किरण बेदी जो है वो भारत की पहली IPS महिला अफसर थी, ध्यान रखिएगा, और वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कहाँ की? पुडुचेरी की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, COP25। COP25 दोस्तों क्लाइमेट के रिलेटेड मीटिंग होती है, और ये मीटिंग कहाँ पर हुई दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो सही आंसर है स्पेन, ठीक है। स्पेन की राजधानी दोस्तों क्या है? मैड्रिड। आई थिंक दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, अगली वीडियो का वेट करिए।